Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। दो मैच दोस्तों इन दोनों टीम्स के बीच में ऑलरेडी हो चुके हैं और दोनों ही मैच इंडिया ने जीत लिया, मतलब कि जो सीरीज है वो तो ऑलरेडी इंडिया के नाम हो चुकी है। ठीक है, अब यार हमेशा की तरह जब भी कोई सीरीज डिसाइड हो जाती है तो जो टीम्स होती हैं वो बचे हुए मैच में एक्सपेरिमेंट करने को देखती हैं और आज के मैच में भी आपको यही देखने को मिलेगा। दोनों की दोनों जो टीम्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करेगी, खास करके जो इंडिया की टीम है वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको करते हुए दिख जाएगी। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न क्या है और कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँ। साथ ही दोस्तों आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के इस मैच में आप अपनी टीम किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, कौन से प्लेयर्स को आप अपनी टीम में रख सकते हो और कौन से को ड्रॉप कर सकते हो, किसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो जिससे कि जो आपकी टीम है वो एकदम बेस्ट बने और इस मैच में भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट नहीं जाए। साथ ही साथ दोस्तों देखो यार, इस मैच के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन अब आगे का देखो। आगे तीन इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच और बचे हैं वनडे इंटरनेशनल के, उसके बाद आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे मैच आ रहे हैं जिनको हम अपने चैनल पर कवर करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम कमाने वाले हैं। तो भाई अगर आपको भी हमारे साथ प्रॉफिट कमाना है तो यार आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो 4 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला, जिस भी भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उस बटन को दबा के भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ ही साथ दोस्तों बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी दबा के ऑन कर लेना, उससे क्या होगा कि जितनी भी अपडेट और टीम्स मैं आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा वो सारी की सारी आप तक सही सलामत पहुंचती रहेंगी और जब तक आपके पास टीम्स पहुंचती रहेंगी तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी। ठीक है, तो लाखों लोगों ने दोस्तों हम पे भरोसा दिखाया है, इनका पिछले कई सालों से मैं एकदम फ्री में प्रॉफिट करवा रहा हूं तो आपका भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बात करते हैं दोस्तों देखो यार इस मैच के बारे में, तो ये वाला जो मैच है यहां शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा और ये वाला मैच इंदौर के मैदान में खेला जाएगा। इंदौर का मैदान, किस किस को पता है इंदौर के मैदान की क्या खास बात है, मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैदान है यार, इसके बारे में दोस्तों हम आगे वीडियो में और बात करेंगे, उसकी चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले देखो यार आपको भी बताएं कि जब आप हमें सपोर्ट दिखाते हो तभी हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री में वीडियोज और टीम्स लाते रहने के लिए, आपका ऐसे ही फ्री में प्रॉफिट करवाते रहने के लिए। तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप इस वीडियो को देख लो, देखते देखते वो जो लाइक का बटन आ रहा है उसे एक बार दबा देना। ठीक है, 3000 लाइक्स का आप लोगों के लिए इस वीडियो पर लाइक टारगेट है, तो जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो अभी तक, 1 सेकंड लगेगा मेरे भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक करना आपको। ठीक है, 3000 लाइक कंप्लीट करना तो फटाफट से कर देना। खैर बात करते हैं देखो इंदौर के इस मैदान के बारे में, तो सबसे पहली बात जो मौसम है वो एकदम साफ रहने वाला है, हल्के फुल्के बादल रहेंगे लेकिन बारिश के चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं देखो पिच के बारे में और मैदान के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग मैदान है। सबसे पहली बात तो यहाँ का जो पिच है वो एक तरीके से जनरली बैटिंग को ही सपोर्ट करता है, हमेशा बैटिंग को सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पर होती है और बॉलर्स के लिए तो ये भाई बहुत ही गलत जगह है, यहाँ पर तो आना ही गुनाह है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और देखो कि ये इंडिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्राउंड है, मतलब कि यहाँ की जो बाउंड्रीज है वो भी बहुत छोटी है, इसकी वजह से यहाँ पे चौके चौके बहुत पड़ने वाले हैं और इस मैच में मेरे को लगता है कि 200 प्लस का स्कोर आपको एक बार वापस देखने को मिलेगा। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी चाहे इंडिया करे चाहे साउथ अफ्रीका करे, 200 प्लस का स्कोर आपको देखने को मिल जाना चाहिए। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूँ टॉस की, तो यार देखो ड्यू यहाँ पर आएगी, शाम का टाइम है, ड्यू आएगी और ड्यू आएगी इसकी वजह से चेस करना आसान हो जाएगा, इसकी वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी। अब दिक्कत पता है क्या है कि इंडिया की टीम ये वाली सीरीज जीत चुकी है, मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, खुद को प्रिपेयर करना चाहेगी, तो हो सकता है टॉस जीतने के बाद वो पहले बॉलिंग नहीं करें, वो पहले बैटिंग करना सेलेक्ट कर ले, थोड़ी एक तरीके से कह सकता हूँ ना कि टफ कंडीशन में खेलना प्रीफर। अब देखो दोस्तों वो क्या होता है वो तो अपने को टॉस के टाइम पे ही पता लगेगा। और साथ साथ दोस्तों मैंने आपको ये जो पिच रिपोर्ट बताई है ना बैटिंग फ्रेंडली वाली, ये एक जनरल पिच रिपोर्ट है, फाइनल पिच रिपोर्ट अभी तक इस मैच की अपने पास नहीं है, वो अपने पास टॉस के टाइम आएगी, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। भाई आखिरकार पिच कैसा है, घास है कि नहीं है, स्पिनर को सपोर्ट है या फास्ट बॉलर को सपोर्ट है, वो सब अपने को टॉस के टाइम पर पता लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट जरूर करना है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, जैसे कि हम हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट परफॉर्मेंस, प्लेइंग इलेवन के सारे रिकॉर्ड, एक एक प्लेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज जो आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती वो है यार इस मैच की फाइनल टीम, और फाइनल टीम क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको पता है यार अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट भी आएगी, फाइनल प्लेइंग इलेवन भी आएगी, उसको देख के तो हम अपनी फाइनल टीम बनाएंगे। तो भाई अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद खेलता हूँ, जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली खेलती है, वो हमेशा की तरह टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात बता रहा हूँ, जल्दी से जाके आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक
मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करोगे 2-3 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तो आपको जुड़ ही जाना है भाई, 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहाँ पर हमसे जुड़ रखे हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम का फाइनल अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा रहे हैं और बहुत अच्छी प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो भाई आपको जरूर जुड़ जाना है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद जुड़ना चाहो बाद में जुड़ जाना, अभी जाकर जुड़ना चाहो अभी जुड़ जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों देखो रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पिछले 2 मैच से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंडिया की रिसेंट परफॉर्मेंस ये है, पिछले 5 मैच में से 4 मैच T20 इंटरनेशनल के इन्होंने जीते हैं, 1 मैच हारा है। ठीक है, ये जो 1 मैच हारा है ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा था, 3 मैच की सीरीज हुई थी जिनमें से 1 मैच हारा था, फिर 2 मैच जीते हैं, और ये जो 2 मैच आप अलग ही कलर में देख रहे हो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभी अभी जीते हैं। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की तो ये दोनों मैच तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट हारे हैं। उसके अलावा जो पिछले 3 मैच हैं वो आप देख सकते हो, इनमें से ये वाला मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता था और ये वाला जो 2 मैच है ये आयरलैंड के अगेंस्ट जीते। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस भी आपने देख ली। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इस सीरीज को स्टार्ट होने से पहले इन दोनों टीम्स ने टोटल 20 मैच खेले थे आमने सामने T20 इंटरनेशनल के, जिनमें से 11 मैच इंडिया ने, 8 मैच साउथ अफ्रीका ने और 1 मैच नो रिजल्ट वाला रह गया था। ठीक है, इस सीरीज को भी अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो कर लो भाई, ओवरऑल 22 मैच हो जाएंगे, इंडिया के 13 मैच हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। और दोस्तों आज वाला मैच जो है इंडिया की झोली में जा सकता है, लेकिन यार अगर इंडिया ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर गई, थोड़ी सी लापरवाही बरत गई, तो साउथ अफ्रीका इस मैच को आसानी से जीत सकता है। उसके बारे में आगे हम वीडियो में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं जिसका नाम है प्रोबो। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको पता है ये कोई फैंटेसी एप्लीकेशन नहीं है, यहां पर आपको टीम नहीं बनानी होती, यहां पर आपको ओपिनियन देना होता है सिंपल यस या नो में, और सिंपल यस या नो में जवाब देके आप यहां पर लाखों रुपए जीत सकते हो। तो जिसने भी भाई एक बार प्रोबो को ट्राई नहीं किया है उसको ट्राई जरूर करना है। ठीक है, प्रोबो की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और ये 50 रुपए फुल्ली यूजेबल है जिनका आप पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबो पर आपको अपना ओपिनियन कैसे देना है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट हो उस में जाओ, सवालों को जवाब दो सिंपल यस या नो में। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में और आज के मैच के यहाँ पर सवाल देखते हैं यस या नो। ठीक है, सिंपल पहला सवाल है कि भाई अर्शदीप सिंह आज के प्लेइंग 11 में आएंगे, तो भाई मेरे को एक तरीके से कंफर्म है कि भाई अर्शदीप सिंह आएंगे, तो मैं यहाँ पर यस पे ट्रेड करने वाला हूँ। अगर आपको डाउट हो कि भाई अर्शदीप सिंह नहीं आएंगे तो फिर आप नो पे ट्रेड कर लो, और जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, मैं आपके लिए एक सवाल और दिखा देता हूँ। एक सवाल है कि भाई साउथ अफ्रीका क्या स्टार्टिंग है 3 ओवर में 25 से ज्यादा रन बना पाइए, तो यार मेरे को नहीं लगता। ठीक है, टेम्बा बाबूमा की अभी फॉर्म काफी खराब है, इसलिए मैं यहाँ पर नो पे ही क्लिक करने वाला हूँ। आपको लगता है बना देगी तो यस पे क्लिक कर लो। और भी दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं इसी मैच से, और भी बहुत सारे मैच है जिनके बहुत सारे सवाल हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक है, तो जिनमें भी आपको जवाब देना हो यस या नो में क्लिक करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो जिसने भी प्रोबो को डाउनलोड नहीं किया एक बार डाउनलोड जरूर करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं देखो टीम न्यूज के बारे में, तो दोनों टीम्स की तरफ से अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट टीम न्यूज है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, उसके बाद हम प्लेइंग 11 वगैरह देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जो न्यूज है ये कल ही आई थी, बीसीसीआई ने ट्वीट किया था कि जसप्रीत बुमराह जो है ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से हो चुके हैं बाहर, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, इंडिया का ये आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच है T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो इस मैच में किसी भी तरीके से इंडिया एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि भाई जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस किससे करें। ठीक है, हालांकि दोस्तों अब देख लो आज के मैच में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है वो, एक एक्स्ट्रा पेसर भी खिला सकती है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो 2 मेन बैट्समैन है केएल राहुल और विराट कोहली, इन दोनों को इस मैच से रेस्ट दे दिया गया है कि भाई आप लोग जाओ T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करो, 2 दिन में अपने को अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलना है। 6 तारीख को निकल रही है इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों को रेस्ट दे दिया गया थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, तो ये दोनों आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब दोस्तों ये जब दोनों नहीं खेलेंगे तो विराट कोहली की जगह तो नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं, ऑलमोस्ट 90% जान सकते हैं श्रेयस अय्यर ही खेलने वाला है, लेकिन केएल राहुल की जगह ओपनिंग कौन करेगा, तो मेरे को लगता है कि या तो ऋषभ पंत या फिर सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करेंगे। ऋषभ पंत के ज्यादा चांसेस है क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ टाइम में मैच में खेला नहीं है, मतलब मैच खेले हैं लेकिन वही है ना, बैटिंग नहीं आई, तो उनकी बैटिंग दे सकते हैं ओपनिंग करवा के। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों एक जो एक कम पड़ जाता है खिलाड़ी केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो फिर एक प्लेयर कम पड़ जाता है, मेरे को लगता है कि एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और बाकी दोस्तों और कोई भी अपडेट आएगी और कोई भी न्यूज आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया टॉस जब तक न्यूज आता तब तक आती रहती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी जो मुझे लगेगा कि आपको जीतने में हेल्प कर सकती है, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में
मिल जाएगी। जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर ऋषभ पंत को मैंने ओपनिंग स्लॉट में रख दिया, श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर आ चुके हैं, बाकी सारे यहाँ पर सेम है, ठीक है। यहाँ पर अक्षर पटेल दिनेश कार्तिक से ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और लास्ट में दोस्तों मैंने एक एक्स्ट्रा पेसर मोहम्मद सिराज को ऐड कर दिया है, इनके उमेश यादव भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, इनके जगह एक ऑलराउंडर है शहबाज अहमद वो भी खेलते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। अब वो तो दोस्तों देखो कौन सा प्लेयर खेलेगा वो तो अपने को टॉस के टाइम पता लग ही जाएगा। खैर बात करते हैं दोस्तों इन्हीं प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो यहाँ पर भी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इनके बारे में भी मैं आपको पिछले दो वीडियो से बताई रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों रोहित शर्मा, ये 139 मैच इन्होंने अपने करियर में खेले हैं इस सीरीज को स्टार्ट होने से पहले, जिसमें इन्होंने 3700 की समथिंग रन बनाए हैं, 32.40 का बैटिंग एवरेज। और इस सीरीज में जो दो मैच इन्होंने खेले हैं, पहले मैच में 0 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे मैच में 43 रनों की पारी खेली थी। ज़्यादा फास्ट पारी नहीं थी, आई थिंक 36 या 37 बॉल में खेली थी, लेकिन फिर भी एक डिसेंट पारी थी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ऋषभ पंत, और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ वापस बोल रहा हूँ, यहाँ का जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्री बहुत छोटी है, मतलब कि हर एक बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, और उसकी वजह से ये वाला जो मैच है ये ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि भाई इंदौर का ग्राउंड कैसा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूँ ओपनिंग कर सकते हैं, पिछले दो मैच में एक भी मैच में बैटिंग नहीं आई, हालांकि खेले दोनों मैच है, प्लेइंग 11 दोनों मैच में थे लेकिन बैटिंग नहीं आई, इसलिए इनको ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, ओपनिंग करवा सकते हैं। ध्यान रखना हार्ड हिटर है, बाउंड्री छोटी है, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा श्रेयस अय्यर की मैं बात करूँ तो वही बात है, ये भी एक अच्छे बैट्समैन है, 33 का बैटिंग एवरेज है। रिसेंटली इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला, ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले थे अगस्त में, ये 3 मैच T20 इंटरनेशनल के, जिनकी परफॉर्मेंस मैंने एक बार आपके रेफरेंस के लिए लिख दी है, ठीक है। बाकी ये भी अच्छे बैट्समैन है यार, हम सब जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों सूर्य कुमार यादव, ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, ज्यादा बकवास ही नहीं करेंगे, इनको अपनी टीम में रखना है। पिछले 2 मैच 250, उससे पहले भी मैं आपको बताऊं, उससे पहले भी 3 मैच आप देखोगे उनमें भी 2 मैच में काफी अच्छी पारी आ चुकी है, तो ध्यान रखना सूर्य कुमार यादव 1 of the best इस टाइम पे अपने को रखना ही रखना है। इसके अलावा दोस्तों अक्षर पटेल की मैं बात करूं तो बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, इनके पिछले 2 मैच में 2 विकेट हैं, बैटिंग आई नहीं है, लेकिन इस मैच में बैटिंग आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि विराट कोहली और केएल राहुल नहीं खेलने वाले, ठीक है। उसके अलावा दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो इनके पिछले मैच में बैटिंग आई थी, 17 रनों की काफी शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेली थी, और इनका जो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है, लेकिन फिर भी मैं शायद इन्हें अपनी टीम में नहीं रखूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये अपने को विकेट कीपर सेक्शन से देखने को मिलता है, विकेट कीपर सेक्शन से अपने को और कौन देखने को मिलता है, एक तो देखने को मिलते हैं ऋषभ पंत, एक मिलते हैं क्विंटन डी कॉक, तो इन दोनों को मैं अपनी टीम में प्रीफर करूंगा ना यार, जो कि ओपनिंग करेंगे इनको क्यों करूंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रविचंद्र अश्विन, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन पिछले 2 मैच से तो दे नहीं रहे हैं, साथ साथ दोस्तों बाउंड्री छोटी है तो इनकी ठुकाई हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हर्षल पटेल की मैं बात करूं तो ये इनका कुछ रिकॉर्ड है, और पिछले 2 मैच में 2 विकेट है, 1 मैच इनका विकेटलेस गया है। ध्यान रखना आपको ग्राउंड को देखते हुए कम बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है, बैट्समैन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ऑलराउंडर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन आता है दीपक चाहर का, जिनका रिकॉर्ड आप देख लो पिछले 2 मैच में, वही बात है, पहले मैच में 2 विकेट मिले थे, दूसरा मैच इनका भी विकेट लेस था। मोहम्मद सिराज जो कि आज खेल सकते हैं, टोटल अभी तक 5 T20 इंटरनेशनल के मैच खेले हैं जिनमें 5 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा हाई रहती है, मतलब डेफिनेटली अपनी टीम में नहीं रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों अर्षदीप सिंह, जो कि इस टाइम पे 1 of the best है, हालांकि पिछले मैच में इनकी ठुकाई हुई थी सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी यार विकेट इन्होंने ही लिए थे, तो ध्यान रखना अर्षदीप सिंह भी एक अच्छी चॉइस रहने वाले हैं टीम के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वही बात है कि आपके लिए वीडियो का गिव अवे, ठीक है। दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो अनलिमिटेड कमेंट करके, और एक भी कमेंट में अगर आपके दोनों सवालों का जवाब सही आ गया तो फिर आप गिव अवे के विनर बन जाओगे, और आपको जो अमाउंट है वो फोन पे या गूगल पे से सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। सवाल क्या है, पहला सवाल है आपको बताना कि इस मैच का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेगा, और दूसरा सवाल है कि इंडिया का फाइनल स्कोर आपको बताना है बैटिंग प्लस बॉलिंग वाला, मतलब कि मान लो कि 178 पे 3 विकेट, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड कमेंट कर सकते हो और कर लेना, फ्री का गिव अवे फायदा उठाओ। बात करते हैं दोस्तों देखो साउथ अफ्रीका की टीम न्यूज के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली T20 इंटरनेशनल सीरीज आ रही है इंडिया में, ये वाली जो सीरीज आ रही है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए जो 2 मेन कंसर्न है वो है इनके, एक तो कैप्टन टेम्पा बावुमा, एक इनके नंबर 3 रिली रोसो, जिनकी जो फॉर्म है वो अभी काफी ज्यादा खराब है, मतलब कि 2 मैच अभी तक हुए हैं, दोनों ही प्लेयर्स ने 0-0 रन बनाए हैं, मतलब आप खुद सोचो कितनी खराब फॉर्म इनकी चल रही है। अब यार इनको सुधारने के लिए या तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो या तो रसो को मौका दें इस मैच में, या फिर हो सकता है इनको बिठा दें इस मैच को जीतने के लिए, और रीजा हेंड्रिक्स को इस मैच में मौका दे दें जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर रिली रसो खेलते हैं तो हो सकता है मैं अपनी स्मॉली की टीम में नहीं रखूं, लेकिन अगर रीजा हेंड्रिक्स खेलते हैं तो मेरी स्मॉली की टीम में 100% रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों कोई इंजरी रिपोर्ट तो अभी तक अपने पास आई नहीं है, और वही बात है यार, और कोई भी अपडेट आएगी वो
तो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने रूली रस्सो को ऐड किया, रिजा हेंड्रिक्स को नहीं किया है, क्योंकि अपने पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि भाई रिजा हेंड्रिक्स खेलेंगे ही खेलेंगे, और जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं आपको कुछ भी फाइनल करके नहीं बता सकता, इसलिए मैंने एक बार रस्सो को ऐड किया है। ठीक है, बाकी दोस्तों इन्हीं प्लेयर के सारे रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्विंटन डिकॉक का 69 मैच खेले हैं, 1900 समथिंग रन है, 31 का बैटिंग एवरेज है, और पिछले दो मैच हैं, एक मैच में तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं आई थी लेकिन पिछले मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है क्योंकि ग्राउंड छोटा है यार, बाउंड्रीज छोटी है। मैं आपको बता दूँ जिस बैट्समैन ने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की ना वो भी इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उनको आप ग्रैंडली की टीम में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि इन दोनों को सिलेक्शन परसेंट बहुत कम रहेंगे लेकिन ये दोनों ही अच्छे बैट्समैन है, बैटिंग एवरेज से आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, तो इनको आप अपनी ग्रैंड लीग की एक दो टीम्स में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग की टीम्स में ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडन मरक्रम को मैं डेफिनेटली अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करूंगा क्योंकि इनका बैटिंग एवरेज देख लो, चाहे से इनकी परफॉर्मेंस देख लो, इंडिया के अगेंस्ट भी काफी ठीक परफॉर्मेंस किया, जब बाकी के सब फेल हो रहे थे तब इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस किया ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रिस्टन स्टब्स की, तो ये एक पावर हिटर है, पिछले मैच में हालांकि बैटिंग नहीं आई और उससे पहले में बैटिंग आई थी तो 0 रन पे आउट हो गए थे, तो ये भी आपके ग्रैंड लीग के ही पिक है, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूँ डेविड मिलर की, तो इनको हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके की पारी आई थी इसको भाई स्मॉल लीग की टीम से ड्रॉप करना मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्मॉल लीग की टीम में हम इन्हें ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यार छोटी बाउंड्रीज है तो ये और अच्छी पारी खेल सकते हैं, और ग्रैंड लीग की टीम में देख लेना अगर आप ड्रॉप करना चाहो क्योंकि इनके सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई रहेंगे, इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी डाउन है, तो देख लेना अगर ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप करो, स्मॉल लीग की टीम में रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेन पार्नेल की अगर मैं बात करूँ तो ये इनका कुछ रिकॉर्ड है, 45 मैच में 50 विकेट है, पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं मिला, उससे पहले भी एक भी विकेट नहीं मिला, मतलब कि बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, हालांकि बॉलिंग अच्छी करते हैं। उसके अलावा दोस्तों पहले मैच में बैटिंग साथ 24 रन बनाए थे, ग्राउंड छोटा है, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ध्यान रखना, तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए रखना चाहो रख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कगिसो रबाडा का, तो इनका रिकॉर्ड आप देख लो, 2 मैच में 1 विकेट आया है, कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ऑप्शन लुंगियांगिड़ी का, पिछले मैच में खेले थे, काफ़ी बुरी इनकी धुलाई हुई थी लेकिन अगर रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी सही है, 31 मैच में 49 विकेट है, T20 इंटरनेशनल में इकोनॉमी रेट 9 के समथिंग ही रहती है, ये देखो ना यार ये वाला रिकॉर्ड मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, इसलिए अंगिड़ी को मैं अच्छा बोलर मानता हूँ, रखना चाहो देख लो रख लेना, या फिर इसकी जगह सेफ जाना चाहो तो रबड़ा को रख लेना। ठीक है, केशव महाराज का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है, 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं, 1 मैच इनका भी विकेटलेस किया है लेकिन इस मैच में बैटिंग के साथ पहुंच देती है, तो ये भी एक ठीक पिक हो जाता है। और लास्ट में दोस्तों आनरिच नोटिया है, जिनको शायद ही मैं अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि एक ही विकेट आया है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आनरिच नोटिया की जो फॉर्म है वो अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक हमने इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं आपको प्लेयर बैटल बताता लेकिन उसका इस मैच में कोई ज़्यादा मतलब निकलेगा नहीं क्योंकि यार ग्राउंड छोटा है तो प्लेयर बैटल का कोई ज़्यादा हिसाब नहीं निकलेगा, इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करा, मैं अब आपको फटाफट से एक टीम दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको वापस बता रहा हूँ ये जो भी टीम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम रहने वाली है, फाइनल टीम नहीं है। ठीक है, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये टीम मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस मैच में किस तरीके की टीम बनेगी। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी, जो डेमो टीम है अपनी वो आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें देख लो मैंने कौन कौन से प्लेयर्स को रखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों ऊपर से मेरे क्विंटन डिकॉक हैं और ऋषभ पंत हैं, जो कि दोनों आपको ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं और ग्राउंड छोटा है तो डेफिनेटली अपनी टीम में रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों डेविड मिलर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल लीग की टीम में रखना एक तरीके से नेसेसरी सा है, बाकी अगर आपको रिस्क लेना हो तो ड्रॉप कर सकते हो, और मैं आपको सही बता रहा हूँ अगर रिस्क चाहिए तो डेविड मिलर को ड्रॉप कर लेना। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपने पास रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, श्रेयस अय्यर है, तो एक तरीके से इंडिया की बैटिंग लाइनअप में देखो मैंने क्या क्या रखा हुआ है, ओपनर दोनों रख लिए हैं, नंबर 3 पर आने वाले श्रेयस अय्यर हैं, नंबर 4 पर आने वाले सूर्य कुमार यादव हैं, और नंबर 5 पर आने वाले अक्षर पटेल हैं, मतलब कि इंडिया के सारे बैट्समैन आ गए। एक बार साउथ अफ्रीका की टीम की देखो, ठीक है, क्विंटन डिकॉक जो कि ओपनिंग करेंगे, इनके साथ ओपनिंग कौन कर रहे हैं, टेम्बा बावुमा, जो कि दोनों मैच में डक पे आउट हुए हैं, उनको ड्रॉप कर दिया। नंबर 3 पर बैटिंग कौन कर रहे हैं, रिली रस्सो, जो कि डक पे आउट हुए हैं, उनको ड्रॉप कर दिया। अगर नंबर 3 पर आ जाते हैं रिजा हेंड्रिक्स, तो मेरी टीम में रहेंगे, चाहे मैं डेविड मिलर की जगह उठाऊँ, चाहे मैं एडन मरक्रम की जगह उठाऊँ, लेकिन रिजा हेंड्रिक्स को मैं उठाऊंगा। ठीक है, नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं एडन मरक्रम, जिनको मैंने अपनी टीम में रख लिया। नंबर 5 पर करते हैं डेविड मिलर, जिनको मैंने अपनी टीम में रख लिया, मतलब कि एक तरीके से ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों टीम्स के जो टॉप 5 हैं, जो इफेक्टिव टॉप 5 हैं, वो मेरी टीम में आ चुके हैं। ठीक है, अब जो बचे हुए बॉलर हैं वो आप देख लो,
हर्षदीप सिंह, हर्षल पटेल और कागिसो रबाड़ा। मैंने आपको बोल दिया है कि ग्राउंड छोटा है, मिनिमम बॉलर आपको अपनी टीम में रखने हैं। अगर रबाड़ा की जगह आप चाहो तो अंगड़ी ट्राई कर सकते हो, हर्षल पटेल की जगह दीपक चाहर ट्राई कर सकते हो, हर्षदीप सिंह अपनी टीम में रहेंगे। और बाकी तो दोस्तों देखो यार, इस टीम में जो भी चेंजेस होंगे वो तो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर ही दूंगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन 11 प्लेयर में। लेकिन उससे पहले देखो यार, अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो जिस भी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करो यार, है ना। 3000 लाइक आपको कंप्लीट करने हैं। साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब करो जिसने भी नहीं किया, आपका बहुत प्रॉफिट करवा सकता है अपना चैनल, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोस्तों अगर मैं बात करूं इन 11 प्लेयर में, तो एक तो आपके पास सूर्य कुमार यादव का अच्छा चॉइस है, रोहित शर्मा भी एक काफी शानदार चॉइस हो जाते हैं, क्विंटन डिकॉक भी काफी शानदार चॉइस हो जाते हैं क्योंकि बैट्समैन है और पावर हिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो सब मामला ही है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी के साथ जाना था, देखो श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस की थी, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यार स्मॉली की टीम में रहने देना, ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में सीवीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों और कोई चॉइस मेरे को अच्छी दिख नहीं रही है ना। डेविड मिलर को भी बहुत सारे लोग आई थिंक बनाएंगे, तो इसको भी आप अगर ज़्यादा ही सेफ जाना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज रहने देना। बाकी दोस्तों सीवीसी की चॉइसेस में भी कोई चेंजेस होंगे तो वो भी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आप प्रोमो को डाउनलोड कर लेना, उसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।